अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पटियाला चिकन। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जायकेदार होता है। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेना है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन ली है और इसमें मैंने थोड़ी कलेजी भी ऐड की है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये ऐड कर देंगे इसमें। ये पाव कटोरी मैंने दही लिया है, इसको ऐड कर देना है। मसालों में मैंने पाव चम्मच हल्दी, पाव चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, पाव चम्मच गरम मसाला, पाव चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर और रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च है और ये मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, पिंच ऑफ। हम ये फूड कलर इसलिए ऐड कर रहे हैं इसमें क्योंकि हम इसमें बादाम का पेस्ट और क्रीम ऐड करने वाले हैं, जिससे हमारी ग्रेवी का कलर फीका हो जाता है, इसलिए हम इसमें ऑरेंज कलर ऐड कर रहे हैं, वरना ये ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहें तो करें, वरना स्किप कर दें। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है अच्छे से, अब इसको बनाने के लिए चलते हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भरकर ऑयल डाला है। ये पूरा बटर या घी में बनता है, पर मैं इसको ऑयल और बटर में बना रही हूँ। अगर आप पूरा घी या बटर में बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। बटर को मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट हो चुका बटर हमारा। 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग ऐड करेंगे, 3 हरी इलायची ऐड कर देंगे, गरम मसाले हमारे तड़क चुके, ये मैंने 2 छोटी प्याज को चॉप कर लिया है, इसको हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज। ये टोमेटो प्यूरी ली है मैंने, 2 छोटे टमाटरों का पेस्ट बना लिया था, इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है, टमाटर का पेस्ट हमारा भुन चुका अच्छे से। अब हमने जो हमारा चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको ऐड कर देना है इसमें। ये हमारा मसाला थोड़ा बच गया है, इसमें पानी डालकर इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब इसको फुल फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है चिकन को, जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। तो ये चिकन को हमने भून लिया अच्छे से। ये मैंने 6 बादाम को भिगा लिया था पानी में, उसके छिलके उतार कर उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था और एक स्मूथ पेस्ट बना लिया था। देख सकते हैं आप बादाम का पेस्ट डालने से हमारी ग्रेवी में कितना अच्छा लुक आया है और हमारी ग्रेवी स्मूथ हो जाती है बादाम का पेस्ट डालने से। इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पूरा 1/2 ग्लास ही पानी हमने इसमें ऐड किया है। अब इसमें हम उबाल आने देंगे। तो ये देखिए उबाल आ चुका। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकने देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारी गल जाए। 20 मिनट हो चुके चिकन को पकते हुए।
चिकन हमारी पक चुकी है। ग्रेवी हमारी अभी भी थोड़ी पतली है, इसको हमें थोड़ा थिक करना है। ये मैंने 3 हरी मिर्च ले ली है, इसको मैं कट करके डाल रही हूँ। ये मेरी फीकी हरी मिर्ची है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आपकी तेज़ है तो आप हिसाब से डालिए। ये मैंने फ्रेश क्रीम ले लिया था 2 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें। ये 1/2 कटोरी मैंने हरा धनिया चॉप करके रखा था, इसको ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ग्रेवी को थोड़ा थिक कर लेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी थिक हो चुकी है, हमारा चिकन पटियाला बनकर रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल फूड विद आफिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो कैसी लगी आपको मेरी चिकन पटियाला की रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। तो ये देखिए हमारा चिकन पटियाला बनकर रेडी हो चुका, कितना अच्छा लुक आया इसका। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और लजीज होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।